हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आर्की गुप्ता टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जितने भी वीएलई भाइयों ने सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और उनका एप्लीकेशन अभी भी अंडर रिव्यू में है, तो उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रहा है वो भी मात्र 30 मिनट के अंदर, वो भी लाइव प्रूफ के साथ में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है और ऐसा हो सकता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं और कैसे आप अपना सीएससी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। और आशा करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सीएससी में काम करना चाहते हैं, सीएससी वीएलई बनना चाहते हैं, सीएससी आईडी पासवर्ड लेकर अपने खुद का सेंटर खोलकर अपने जो है काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो जो है जॉब ज़्यादा मिल नहीं रही है, जिसके चलते काफ़ी सारे लोग अपना खुद का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या फिर उनका एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में है, तो इसके चलते वो जो है इधर उधर बातें करते हैं। और साथ में आज की डेट में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा फ्रॉड भी चल रहा है, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो सीएससी एप्लीकेशन आपको एक्सेप्ट करवाने के बारे में बताएंगे, जो कि आपको ये भी बोलेंगे कि आपका 30 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवा के देंगे, उसके बदले में आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे, वो भी आपका पैसा आपसे एडवांस लिया जाएगा या आपसे अप्रूव करने के बाद भी आपसे मांग सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल ना करवाएं। ऐसा करवाने से आपकी जो सीएससी आ रही है वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका किसी को भी एक पैसे ना दें। सीएससी खुद कहती है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, सीएससी एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद सीएससी आईडी के लिए आवेदन कर देते हैं, तो उसके बाद आपका जो रेफरेंस नंबर है आपको अपने पास सबमिट जो है सुरक्षित रख लेना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना जब तक आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो जाता है। हाँ, जैसे ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको ईमेल पे आ जाएगा कंग्रेचुलेशन का कि, और सीएससी की तरफ से मेल आ जाएगा वेलकम टू सीएससी फैमिली इस तरह का, ठीक है। और आप चाहें तो उसे ऑनलाइन जाकर भी जो है उसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं अपना रेफरेंस नंबर डालकर अपना स्टेटस। लेकिन बात कर लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा जल्दी में क्या मेरा एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी एक्सेप्टेड हो जाए, तो इसके लिए आप किसी न किसी व्यक्ति से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं या आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो ऐसे वो जो है काफ़ी सारे लोगों के, ऐसा कोई यूट्यूबर तो आपको नहीं बताएगा कि हम आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवा देंगे, हम इतने पैसे दीजिए, लेकिन आपको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सीएससी अप्रूवल वाले अप्रूवल के नाम से मिल जाएंगे, सीएससी आईडी एक्सेप्ट के नाम से मिल जाएंगे, और आपको वहाँ पर अपना नंबर देंगे कि हमें अपनी सीएससी आईडी एक्सेप्ट करवाने के लिए या अप्रूव करवाने के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। तो इस तरह से आप उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं और आप अपने जो है अमाउंट को वो सकता है आपसे 1200 रुपये मांग रहे हैं, 1400 मांग रहे हैं, 1500 मांग रहे हैं, बहुत से लोग 10,000 मांगते हैं, 3,000 भी मांग लेते हैं, 5,000 रुपये तक का भी मांग लेते हैं, और पता नहीं कैसे लोग भी हैं कि उनको दे भी देते हैं, उनको ये नहीं सोचते समझते कि क्या हमें पैसे देना सही है या गलत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप जो है ऐसी फ्रॉडबाजी से बच सकते हैं। तो मैं आपको एक बात सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आपको सीएससी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए या सीएससी अप्रूव करवाने के लिए, सीएससी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको किसी को भी एक पैसे देने की जरूरत नहीं, चाहे वो आपका सीएससी डीएम हो या फिर सीएससी बीसी हो या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हो या सीएससी की कोई ऑफिशियल कोई अफसर हो, कोई भी किसी को भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस वेट करना है, आपको हो सकता है 3 महीने भी लग सकता है, 4 महीने। मेरा खुद का यार आपको बता दूं तो मेरा खुद का सीएससी आईडी आई थी, पूरे 3 महीने बाद अप्रूवल मिला था मेरी सीएससी आईडी को, आज से 2020 में जून के महीने की बात है जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है। सो, आशा करता हूँ आप सब ऐसे समझ गए होंगे, आपको बस वेट करना है, और वेट करने के सिवा अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो इसके लिए आप जो है सीएससी जो ऑफिशियल नंबर है आपको उन पर कॉन्टैक्ट करना है, उनसे बात करनी है, साथ में आपको अपने सीएससी के हेड का नंबर निकलवा लेना है, सीएससी डीएम से बात करनी है आपने, और उनसे अपने सीएससी हेड का नंबर ले लेना है, उनसे बात करनी है ऐसा, और उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है जल्दी आपका जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन आप सोचते हैं कि पैसे देकर मैं करवा लूँ तो ऐसा करना सरासर जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं अनलीगल है, और ऐसा करवाना भी नहीं चाहिए, करवा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है, साथ में आपके पैसे भी डूब सकते। तो हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं, और हाँ, मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादातर लोग तो शेयर करेंगे।